नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं एंटी करप्शन न्यूज। आइए बढ़ते हैं वसी विरार की 10 प्रमुख खबरों की ओर। विरार में आरटीआई कार्यकर्ता को जान से मारने की नियत से घर पर फायरिंग कर फरार हुए आरोपी, 3 गिरफ्तार, 1,00,000 की दी गई थी सुपारी। वसी विरार महानगर पालिका अंतर्गत परिवहन सेवा समिति के माध्यम से शुरू की जाएगी परिवहन सेवा, आपके द्वार पर ली जाएगी जनता की राय। वसी विरार महानगर पालिका संपत्ति की सील बंदी कर करेगी नीलामी, टैक्स वसूली के लिए महानगर पालिका आई एक्शन मोड में। MSRDC ने विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर के चरण 1 में 11 पैकेजों के लिए निर्माण बोलियां की आमंत्रित। रेत ईट परिवहन करते समय तिरपाल लगाएं, लगेगा 50,000 का जुर्माना। कड़ों के नीचे गिरने या हवा में मिलने से दुर्घटना की बढ़ती है संभावनाएं। वसई विरार की गलियों और सड़कों पर राम नाम के जय घोष के साथ जगह जगह पर निकाली जा रही शोभा यात्रा। 26 जनवरी को निकाली जाएगी इलेक्ट्रिकल बाइक और साइकिल रैली, पर्यावरण संवर्धन और प्रदूषण मुक्त शहर बनाने का दिया जाएगा मैसेज। नालासोपारा से वसई की ओर जाती ट्रेन से गिर पड़ा युवक, ट्रेन में थी भारी भीड़, युवक की मौके पर हुई मौत। विरार पूर्व में ट्रैफिक की समस्या से निजात के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा बंद किया गया वीर सावरकर मार्ग, जल्द मिल सकती है यातायात संबंधी समस्याओं से राहत। अलकापुरी व्यापारी यूनियन द्वारा 22 जनवरी के उपलक्ष्य में निकाली जाएगी भव्य शोभा यात्रा, साथ ही होगा महाभंडारा का आयोजन। आज के लिए इतना ही। ऐसे तमाम ताजातरीन अपडेट्स के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।